अस्सलाम वालेकुम डर लर्नर्स एंड वेलकम इन द वीडियो हमने आपसे बात की थी कि अपर्चुनिटी क्या होती है और आप ऑपरचुनिटी को कितने कितने डिफरेंट सोर्सेज से व्यू कर सकते हैं हंट कर सकते हैं अगेन थ्योरेटिकल साइड हमने कवर की अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल साइड की तरफ हमारे साथ आमना है हमारे स्टूडियोज में जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर डील करती हैं आमना वेलकम अगेन और much. बात हो रही है ऑपरचुनिटी की क्या हर ऑपरचुनिटी बिजनेस ऑपरचुनिटी होती है सबसे अहम सवाल तो यही बनता है पहले नहीं। नहीं okay. हर ऑपरचुनिटी को आप अवेल कैसे कर सकते हैं बिल्कुल ठीक है यू नीड अ प्रॉपर स्किल सेट ठीक यू नीड प्रॉपर रिसोर्सेज ठीक वेदर दे आर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बिल्कुल हर तरह के रिसोर्सेज आपके पास है जो बेसिक एक पॉइंट है वो ये है कि आप ऑपरचुनिटी को स्टडी करें बिल्कुल आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है आप उस ऑपरचुनिटी को ग्रैप करें उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें डू सम रिसर्च और रिसर्च के बाद आप एनालाइज करें वेदर यू आर केपेबल टू डू इट नॉट आपके पास रिक्वायर्ड स्किल सेट है ठीक हो गया आपके पास रिक्वायर्ड फाइनेंसेस हैं रिक्वास है हर अपॉर्चुनिटी को आप ये नहीं समझ सकते कि जी अगर ये अपॉर्चुनिटी इस वक्त है मैं फौरी से कर लूं ठीक हो गया आप अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज करें क्योंकि सिर्फ एक वही अपॉर्चुनिटी तो मार्केट में नहीं होगी ना देयर विल बी मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर यू आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके ओ, ये कह लें कि आपके सर्कमस्टानसेज में जो अपॉर्चुनिटी फिट हो रही हो गो फॉर दैट ठीक हो गया अपने आप को ख़राब तो नहीं करना, नहीं करना बहुत बड़ा डीमोटिवेटिंग एंड डिप्रेसिंग फैक्टर बन जाती हैं ये चीज़ें आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आई है आपने फ़ौरी से ग्रैप कर ली और ग्रैप करने के बाद आपको पता लगा यू कॉन्ट डू इट ठीक हो गया ठीक है तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा डी करती है बिल्कुल ऐसा ही हो गया अच्छा ये इस सवाल हमने किया भी लिया था बिकॉज हमने अपने लर्नर से अपने स्टूडेंट से ये शेयर किया कि आप इकोनॉमिक ट्रेंड्स देखते हैं और वहाँ से आपको मुख्त नए आइडियाज़ मिल सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं आप किसी मुल्क की डेमोग्राफिक्स देखते हैं जिस तरह पाकिस्तान में आ, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन अब यंगस्टर्स की है इट्स अ बिग मार्केट फॉर द यंगस्टर्स और अब जो यंगस्टर्स हैं दे आर द ग्लोबल सिटीजन दे हैव डिफरेंट नीड्स तो exactly. वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उसके अलावा मार्के गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशियटि आ रहे होते हैं जिस तरह हमने कहा था कि प्लास्टिक बैग के अगेंस्ट एक कैंपेन चल रही है वो अपॉर्चुनिटी है बट अगेन हमने ये देखा है कि यंग ऑन्टर दे गेट एक्साइटेड बाई द आइडिया बाई दी अपॉर्चुनिटी बट अगेन वो जो आपने बात की बाज़ात आप ये देखते हैं कि आप केपेबल नहीं है उस अपरचुनिटी exactly. को और आपने अपॉर्चुनिटी थी लेकिन गलत ऑपरचुनिटी को गलत आपने अवेल कर ली ठीक ओके एक मैं आपको एक एग्जाम्पल अपने अपनी लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि जब मैंने काम स्टार्ट किया ना उस वक्त ज्वेलरी के अंदर मेरे पास ये ऑप्शन भी थी कि आई कोड हैोल्ड अच्छा ठीक मेरे पास वर्कर्स थे मेरे पास एक मार्केट थी जब मैंने मार्केट में जाके देखा तो मुझे ये भी कहा कि आप गोल्ड में करें उसमें आपका एक एसेट भी बन रहा है ठीक है और आपकी इन्वेस्टमेंट भी जो है ना वो सेफ है इन्वेस्टमेंट सेफ है सेल हो गया हो गया गया नहीं हुआ तो एक एसेट तो आपके पास मौजूद है ना? है उस वक्त ये थर्ड आई वाला पॉइंट जेन में अच्छा क्योंकि उस वक्त गोल्ड की प्राइस राइज पे थी अच्छा ठीक है और बहुत ज्यादा इस तरह था कि गोल्ड को लोग प्रेफर नहीं कर रहे थे या ये था कि इट वॉज गेटिंग आउट ऑफ रीच बिल्कुल तो so, उस वक्त फिर मेरे जहन में ये चीज आई है मैंने कहा कि यार गोल्ड आई वर्क इन सिल्वर विद गोल्ड प्लेटिंग अच्छा ठीक है एक अब ये थर्ड आई ये कोई exactly. inside ये, अंदर से एक ये, creativity ये, call six, ये आप कह एक मार्केट के ट्रेंड को देखने के बाद या एक एक ओवरऑल आप जो आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको देखने के बाद ये आइडिया था कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर गोल्ड एंड कैन गो फॉर सिल्वर ठीक हो गया ठीक है इसके अंदर वो मेरे एसेट, मेरा सेव एसेट करना तो एक मकसद नहीं ना था हो गया। मकसद तो है कि बिजनेस करना मकसद है कि सेल परचेज करना मकसद ये नहीं है कि जो पैसे उसका एक एसेट लेकर रख लू बिक गया बिक गया नहीं बिका नहीं बिका आई हैव टू वर्क मुझे मुझे अपनी चीज को सेल करना है ना तो सेल करने के लिए जो तो थर्ड आई वाला पॉइंट है वो यही है कि यू नीड टू हैव अ

Uh, एक अच्छे लंबे अरसे तक सस्टेनेबल हो फिर नंबर टू उस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी uh, के लिए आपके पास फाइनेसिस भी हों बा अब बहुत कुछ ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो बहुत कॉस्टली होती हैं और uh, तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात यह है वो ये कि आपके पास राइट अमाउंट ऑफ स्किल सेट होना चाहिए आपका exactly. अपना स्किल सेट भी हो या आपके पास एक अच्छी टीम हो अब मेरा अगर एक आइडिया है कि मैं जिस तरह स्टीव जॉब्स है या मार्क जगह है मैं कहूँ कि यार आई वॉन्ट टू बी लाइक देम मैं कुछ ऐसी कंपनी बना लूँ जहाँ पर मैं इतने जो है ना वो रातों रात मैं अर्न करूँ और मेरे पास इस तरह आई कॉन्ट डू इट आई के नॉट बी स्टीव जॉब्स आई कैट बी मार्क बिल्कुल ऐसे मार्क्स आई डोंट हैव हैव द द रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड आई डोंट है नॉट बी नो वंडर कि मेरा कितना ही ड्रीम है, है कि मुझे उस लेवल पे जाके काम करना है लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए मैं अपनी अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से ऊपर लेके जा सकती हूँ अपने बिजनेस को कैसे लेके जा सकती हूँ मैं उस पर तो काम कर सकती हूँ लेकिन मैं ये नहीं सोच सकती कि मैं अपने जूनियर का काम करते करते अचानक से स्टीव जॉब्स बन जाऊँ बिल्कुल ऐसा ही हो गया यानी ऐसा हो सकता है कि आप एक अच्छे ऑन्टरप्रनर हों आपके अंदर आ, एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के सारे करेक्ट्रिस्टिक्स मौजूद हों फेलियर सिर्फ इसलिए हो कि आपने गलत ऑपरचुनिटी जो है उसको लॉक कर लिया है और आपने गलत अपॉरचुनिटी में अपनी स्किल और अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर लिया है ट्रू ठीक हो गया आमना थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम पॉइंट बहुत कंसाइज लेकिन बहुत अहम है बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए नंबर वन एक लंबे अर्से तक उसका सस्टेनेबल होना नंबर टू उसका फाइनेंशियली वायबल होना और नंबर थ्री उसको अवेल करने के लिए आपके पास चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल हो स्किल सेट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी आप किसी आइडिया को कह सकते हैं कि ये एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और इन अदर वर्ड्स ये बिल्कुल मुमकिन है कि आप एक बहुत अच्छे ऑन्टरप्रीनियर हो लेकिन आपने फ़िलहाल बिज़नेस अपॉर्चुनिटी का जो सिलेक्शन है वो गलत कर लिया हो सक्सेस कभी भी मेयर को इंसिडेंस नहीं है सक्सेस के लिए आपको इंजीनियर करनी पड़ती है राइट अमाउंट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़